हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर वर्क कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ में नंबर ऑफ़ सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, गैस सेंसर, और ये सभी सेंसर्स 4 to 20 mA सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, और जो PLC या स्काडा सिस्टम में जाके इंटरफेस होते हैं। हमने एक बोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है और उस बोर्ड में आप डिफरेंट टाइप के सेंसर्स इंटरफेस कर सकते हैं। वो 3 वायर टाइप सेंसर हो या 2 वायर टाइप सेंसर हो, आप उसको इस बोर्ड के साथ इंटरफेस कर सकते हैं। तो हम आज आपको वो डिटेल्स इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द टियारा टेक शो। फ्रेंड्स, ये एक यूनिवर्सल सेंसर इंटरफेसिंग बोर्ड है जिसे हमने डिज़ाइन किया हुआ है, और इस बोर्ड से एग्जैक्टली कैसे सेंसर इंटरफेस करते हैं, ट्रांसमीटर जो 4 to 20 ट्रांसमीटर कैसे इंटरफेस करते हैं वो बताते हैं। तो पहले आपको ये कनेक्टर्स के बारे में बता देते हैं। इस एंड पे ये जो कनेक्टर लगा है, यहाँ से हम पावर इन करते हैं। 12 वोल्ट का हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। इसमें बोर्ड में ही रेगुलेटर्स और ब्रिज रेक्टिफायर फिल्टर बना हुआ है सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। ये जो कनेक्टर है, यहाँ से 485 कम्युनिकेशन पोर्ट है जो हम डायरेक्टली कंप्यूटर पे इंटरफेस कर सकते हैं और डेटा चेक कर सकते हैं। ये जो कनेक्टर है, यहाँ पे आपको सेंसर कनेक्ट करना होता है। जो 4 to 20 ट्रांसमीटर होते हैं उसके सिग्नल यहाँ आके टर्मिनेट होते हैं, यहाँ कनेक्ट होते हैं। इसमें 2 वायर लूप पावर वाला ट्रांसमीटर भी आप लगा सकते हैं और 3 वायर्स वाला भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने रिले का प्रोविज़न किया है। 4 रिलेज हमने दिए हैं। आप डिफरेंट सेट पॉइंट्स सेट कर सकते हैं थ्रू RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट, और जैसे ही वो लेवल क्रॉस होंगी, वन बाय वन ये रिलेज एक्टिवेट होंगे। ये वो वोल्टेज फ्री कॉन्टैक्ट रिलेज हैं। आप AC या DC कोई भी लोड यहाँ पे लगा सकते हैं। इस सेक्शन में हम करंट को मिरर कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एक बार फिर से करंट रीजनरेट हो रहा है। जो भी 4 to 20 सिग्नल आपका सेंसर एंड से आ रहा है वो रीजनरेट होके आपको इस बोर्ड के थ्रू मिलता है। तो ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड से आप एनी टाइप ऑफ सेंसर जो 4 to 20 mA में आपको करंट आउटपुट देते हैं, करंट ट्रांसमिट करते हैं, उसको इंटरफेस कर सकते हैं। लूप पावर्ड के साथ में कनेक्शंस कैसे करने हैं और 3 वायर ट्रांसमीटर के साथ कनेक्शंस कैसे करने हैं वो अभी हम आपको यहाँ पे डेमो करके दिखाएंगे। हमने एक करंट सोर्स बना के रखा हुआ है, वो करंट सोर्स के थ्रू यहाँ कनेक्शंस करेंगे। हमारे पास एक 2 वायर लूप ट्रांसमीटर बोर्ड भी है, उसे भी आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये 4 to 20 करंट सोर्स है। अभी हम इसके कनेक्शंस करेंगे। सबसे पहले तो इस बोर्ड को हम पावर सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पे अभी हम एक DC जैक कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम 12 वोल्ट का SMPS एडप्टर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर ये जो वायर है ब्लैक एंड रेड जो है वो अगर इंटरचेंज हो गई तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पे ब्रिज का प्रोविज़न किया हुआ है। ये देखिए, ये हमने DC जैक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। वैसे ही ये जो करंट ट्रांसमीटर है या करंट सोर्स है, इसमें भी हम एक DC जैक कनेक्ट कर रहे हैं। इसको भी हम एडिशनल पावर सप्लाई देंगे, सेपरेट सप्लाई SMPS के थ्रू मिलने वाला है। ये जो बोर्ड है हमारा यूनिवर्सल सेंसर इंटरफेसिंग बोर्ड, उसके ग्राउंड के और सिग्नल के कनेक्शंस भी अभी हम करेंगे जो करंट सोर्स है उसके थ्रू। यहाँ पे आपको 2 वायर कनेक्ट कर देनी है, एक ग्राउंड वाली और एक करंट रिसीवर वाली। इसको हम करंट सोर्स के साथ में इंटरफेस करेंगे। अभी आप देखिए, जो ग्राउंड है उसको ग्राउंड के साथ लगाना है, और जो सिग्नल है, करंट सिग्नल है, उसको ये मिडल वाले पार्ट पे कनेक्ट कर देना है। करंट सोर्स के जगह आपको एक्चुअल में कोई भी करंट ट्रांसमीटर सेंसर इंटरफेस करना है। ये तो जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे आपको करंट सोर्स के थ्रू ये दिखाया है, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरीके से ये बोर्ड वर्क करता है और किस तरीके से वो रीडिंग्स को कंपेयर करके रिले एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे ये पूरे कनेक्शंस यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं। 2 मल्टीमीटर्स को कनेक्ट करके आपको इसकी फंक्शनलिटी दिखाएंगे। वो मिरर करता है या नहीं करता, सिग्नल जनरेट करता है कि नहीं, वो आप वेरीफाई करके यहाँ पे देख सक पाएंगे। अभी ये जो कनेक्टर है 3 पिन का, यहाँ से हमको करंट आउटपुट मिलने वाला है, तो यहाँ भी हम वायर कनेक्ट कर दे रहे हैं। ग्राउंड और करंट आउटपुट का हमने वायर कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ भी मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं। मल्टीमीटर को एमीटर मोड में यूज़ कर रहे हैं सो दैट हम यहाँ से करंट मेज़र कर सकें। अभी यहाँ पर आपको करंट मेज़र करते हुए भी दिखेगा। अब यहाँ पे हम जो DC जैक लगाए हुए थे उसमें SMPS कनेक्ट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में 0 0 दिखा रहा है। अभी हम SMPS कनेक्ट करते हैं।
ये जैक में हमने ये SMPS कनेक्ट कर दिया। अब हम पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने पे LED इंडिकेशंस के थ्रू आपको समझ जाएगा कि इस बोर्ड में पावर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं करंट सोर्स में भी एक LED इंडिकेशन है जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि वहाँ पे पावर आ रहा है, और हमारे बोर्ड में भी, ये जो यूनिवर्सल सेंसर इंटरफेसिंग बोर्ड है, इसमें भी पावर आ रही है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक LED दिख रही है जो इंडिकेट करती है कि करंट ट्रांसमिट हो रहा है या करंट जनरेट हो रहा है। मल्टीमीटर में भी आप देख सकते हैं 19.90 मिली एम्पीयर अभी ये बोर्ड करंट जनरेट कर रहा है। जो भी करंट सिग्नल इसको इनपुट में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये करंट जनरेट कर रहा है, और रिलेज भी ऑन है, चारों रिलेज ऑन है, क्योंकि हमारे जो सेट पॉइंट्स है उसको वो सिग्नल क्रॉस कर गया है। इसलिए अब हम यहाँ से करंट को वेरी करेंगे। ये जस्ट लाइक अ सेंसर ही है, सेंसर का सिग्नल हम ड्रॉप करते चले जा रहे हैं, कम करते चले जा रहे हैं, तो वो एग्जैक्टली मिरर होना चाहिए, करंट जनरेट होते हुए आपको दिखना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं 16.03 मिली एम्पियर अभी करंट जनरेट होके यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब हम इसको और थोड़ा सा कम करेंगे। वो कम करके हम देखेंगे कि रिले ऑफ होता है नहीं। कुछ तो भी एक रैंडम सिग्नल भी अभी आपको जनरेट करके दिखा देते हैं। जैसे अभी 16 मिली एम्पियर समथिंग हम सिग्नल जनरेट करके दिखा रहे थे, वैसे ही 13 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ एक सिग्नल जनरेट कर देते हैं। वो भी एग्जैक्टली यहाँ पे मिरर होना चाहिए। ये जो बोर्ड है वो मिरर करके दिखाएगा। देखिए 13.37 दिखा रहा है, और एक रिले भी ऑफ हो गया। अब तीन ही LED इंडिकेट हो रही है, एक रिले ऑफ हो चुका है। और सिग्नल को हम कम करेंगे तो और एक रिले ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड के बिलो चले गया है, इसलिए वो रिले भी ऑफ हो गया। सेम वे से अभी तीसरे रिले का जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे भी बिलो अगर हम सिग्नल को ले जाएंगे तो वो रिले भी ऑफ हो जाएगा। अगर आपको ऐसी कई इंडस्ट्रीज है जहाँ पे 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ अलार्म्स लगते हैं, तब ये बोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने 3 रिलेज ऑफ कर दिए। अब हम लोअर एंड पे लेके आ जाते हैं। जो 4 मिली एम्पियर होता है करंट ट्रांसमीटर को, वो लोअर एंड पे लेके आते हैं इस सिग्नल को, और वो देखते हैं कि उसमें वो कितना हमें करंट दिखा रहे हैं। तो 4.02 को एग्जैक्टली ये 4.02 मिली एम्पियर यहाँ पे करंट जनरेट करके हमको दिखा रहा है। तो ये अभी आपने जो इंटरफेसिंग देखा, ये 3 वायर करंट ट्रांसमीटर के इंटरफेसिंग अभी आपने देखा है। अब आपको हम लूप पावर्ड, जिसमें 2 वायर ही होती है, उसके कनेक्शंस करके दिखाएंगे। हमारे पास ये एक लूप पावर ट्रांसमीटर है, इसमें भी सेंसर इंटरफेस किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक पॉट ही लगाया है जिससे आपको सिग्नल का वेरिएशन करके हम दिखाएंगे। अब इसके कनेक्शंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो बोर्ड है इसमें लास्ट कॉर्नर में जो कनेक्टर लगा हुआ है वहाँ पे VDD है, वहाँ अब आपको सप्लाई देना है। इसके पहले आपने मेन 12 वोल्ट वाला जो सप्लाई दिया था मेन कनेक्टर में, वहाँ से रिमूव कर देना है, और एक 12 वोल्ट का कनेक्शन सेम उसी बोर्ड से पैरेलल आएगा इस ट्रांसमीटर पे। इस ट्रांसमीटर का जो रिटर्न लाइन है, IO बोलते हैं, जिससे हमको करंट जनरेट होके मिलता है, वो हमारे यूनिवर्सल सेंसर बोर्ड में जाके इंटरफेस होगा। यहाँ पे ग्राउंड हम कनेक्ट नहीं करेंगे, ग्राउंड का कनेक्शन आपको नहीं करना है। जो ग्राउंड का कनेक्शन सप्लाई वाला हमारे बोर्ड को आएगा वही एक कनेक्टर रहेगा, मीन्स वैसा ही एक कनेक्शन रहेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी हमने यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट किया है, सप्लाई भी 3 पिन कनेक्टर पे ही दिया है, मेन कनेक्टर पर से निकाल दिया है, पावर ऑन किया है, चारों रिलेज ऑन हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 19.90 मिली एम्पियर सिग्नल जनरेट हो रहा है। अब हम इस सिग्नल को वेरी करेंगे, वेरी करके लोअर एंड पे लेके आके दिखाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने लूप पावर्ड ट्रांसमीटर लगाया है, 2 वायर वाला ही ट्रांसमीटर लगाया है, उसमें भी ये बोर्ड प्रॉपरली फंक्शन करता है। तो इसका डिज़ाइन ही इस तरीके से किया हुआ है कि आप इसमें कोई भी सेंसर आराम से इंटरफेस कर सकते हैं। देखिए जैसे अभी हमने 4.03 लेके आया है, तो वो 4.03 के करीब यहाँ पे करंट आपको शो कर रहा है। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो भी सिग्नल जनरेट हो रहे हैं इसको आप RS-485 इंटरफेस करके, मीन्स एक डेस्कटॉप पे टर्मिनल पे वो डेटा मॉनिटर भी कर सकते हैं, और वहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं, मीन्स जो सेट पॉइंट्स है वो आप एंटर कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल्स पे आप सेट कर सकते हो। फिर आपका टेम्परेचर सेंसर हो, प्रेशर सेंसर हो, फ्लो मीटर हो, या कोई और सेंसर हो, H2 सेंसर हो, O2 सेंसर हो, कोई भी सेंसर आप इसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं और उसका कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप टर्मिनल पे देख सकते हैं, इस टर्मिनल सॉफ्टवेयर में ये सारे सिग्नल मॉनिटर हो रहे हैं, और यहाँ पे जो सेंड वाला कमांड है यहाँ से जस्ट आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं जिससे ये कार्ड प्रॉपरली कॉन्फिगर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा ये यूनिवर्सल सेंसर इंटरफेसिंग बोर्ड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।